Hey guys, welcome back. Welcome back, guys. This. Hey guys, welcome back. This is Jadoo YT. तो कैसे हो आप सभी? I hope कि सब बढ़िया होंगे. तो guys, पढ़े रहना. अब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बार फिर से. जी हाँ guys, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं God Tushar OP. 50 रुपए cut over acting के बाद. और साथ ही साथ guys, कुछ निब्बो के कमेंट का आंसर भी करेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो गाइज यार, अभी बिल्कुल क्लिक कर दो सब्सक्राइब के बटन पे. तो गाइज, वो जो 16 स्ट्राइक पड़ी थी God Tushar OP के चैनल पर, जो कि Tencent वालों की तरफ से दी गई थी, वो हट चुकी हैं भाई. जादू हो गया, जादू वो अब हट चुकी हैं. तो गाइज, मुझे अब एक बात समझ नहीं आती, जब दूसरे किसी बंदे, नॉर्मल बंदे के ऊपर 21-21, 20-20 स्ट्राइक पड़ती हैं, ठीक है, तब वो लोग आते हैं हेल्प मांगने के लिए कि तुषार भाई हमारी हेल्प कर दो, हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कुछ गलती भी नहीं की और मेरे को फालतू में स्ट्राइक पड़ गई है. तब हमारे तुषार OP क्या बोलते हैं कि भाई मैं कौन सा डेवलपर हूँ, मेरी कौन सी उनसे बात होती है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने कंटेंट पे ध्यान दो. लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आखिर ये 16 स्ट्राइक हट कैसे गई? अब भी तो आपने कुछ किया ना, तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ नहीं बनता आपका कि अपने सब्सक्राइबर की भी हेल्प की जाए? कभी भी सोचा है उनके बारे में? और वैसे जब तुम्हारी Tencent वालों से बात हुई कहीं थी, तो उनसे ये भी पूछ लेते कि भाई मुझे स्ट्राइक देने का रीजन क्या था. कम से कम मैं अपने ऑडियंस को बता तो दूंगा कि अगर इस वजह से मुझे स्ट्राइक मिली थी. मतलब इन्फॉर्मेशन तो रत्ती भर भी देनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज और पैसों से मतलब है. और हाँ, अब जरा रिप्लाई देते हैं अपने नन्हे मुन्ने बालकों का जो कमेंट में आकर के भौंकते रहते हैं. अबे मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं, मैं अपने चैनल पर कुछ भी वीडियो बनाऊं, तुम्हें क्या मतलब? अब जो तुम भौंक रहे हो ना कमेंट में आकर के कि व्यूज के लिए इन पर वीडियो बनाता है, हाँ तो बनाता हूँ, बोलते रह के जाता है. तुम मत देखना भाई, जैसे मेरा थंबनेल आए उसको स्क्रॉल कर दे, मत देख मेरी वीडियो. नहीं, लेकिन गांड आके मरा नहीं ना ये मेरी चैनल पर आकर के, तो मत देख भाई, सीधी सी बात है. ठीक है गाइस, जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. लेकिन एक मिनट, कुछ बातें तो भी रह गई, जरा उनको भी क्लियर कर ही लेते हैं जब उनकी बात छिड़ गई है. तो आप लोग क्या बोलते हो कि स्क्रीन पे तो BGMI चल रहा है और बात कर रहे हो PUBG मोबाइल लाइट की? अबे गेम देख, गेम स्क्रीन पे जो गेम चल रहा है उसकी स्किल देख. और यहाँ पर कोई कन्फिग यूज नहीं करते हम, प्योर एकदम देसी गेम है, समझ गया मेरी बात? और अब तो मेरी वीडियो काफी नॉर्मल हो गई है, जरा पुरानी वीडियो जाके देखना कितनी गांड फाड़ी है मैंने बंदों की. और ये प्रो खच्चर YT, इसकी भैंस की पूंछ, एक नंबर का गांड चाटू इंसान है भाई. पता नहीं कितने यूट्यूबर की गांड चाट रहा है इस टाइम ये. इसकी वीडियो देख लो भाई, साफ साफ समझ आ रहा है गॉड वालों की तो कर्री करके चाट रहा है. अब इसने अपना चैनल तो स्टार्ट किया था रोस्टिंग और एक्सपोजिंग से, लेकिन अब इसने अपना खाम चेंज कर दिया है. अब ये थेल चटाई का काम करता है यूट्यूब पे, पता नहीं किस किस की चाटता है. अरे यार भाई, मुझे एक बात बता, जब तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो भाई हम तो एक कम्युनिटी के बंदे हैं, मैं भी एक्सपोजर तू भी एक्सपोजर, तो भाई हमसे अपनी बात शेयर कर लेता, हम तो तुझसे ना चटवाते, बस थोड़ा मुंह में दे देते. तो गाइस, बहुत दिनों से रोस्ट वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज रोस्ट करने का मन किया सो कर दिया. आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी हो. लाइक करना, सब्सक्राइब करना.